तो G20 को लेकर उत्तराखंड की धरती कितनी उत्साहित है और G20 से देश का मान कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी सभी को नमस्कार आपको धन्यवाद आ, मैं सबसे पहले तो आ, G20 की जो बात आपने करी है देखिए पहले G20 के जो इस प्रकार के जो आयोजन होते थे उन आयोजनों के बारे में पता भी नहीं लगता था कि हो गए दिल्ली में हो गए मुंबई में हो गए या कुछ बड़े शहरों में हो जाते थे लेकिन इस बार पहली बार देश के कोने कोने में देश के छोटे छोटे शहरों में जी ट्वेंटी के आयोजन हुए हैं और इससे भारत की जो साख है पूरे भारत के बारे में पूरी दुनिया को पता लगा है कि भारत पूरी तरह से शक्तिशाली भारत बन रहा है समृद्ध भारत बन रहा है समरस भारत बन रहा है पूरी दुनिया ने भारत को नज़दीक से देखा है एक ये बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा हमारे देश के यशो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की है कि उन्होंने इसको जन जन का जी ट्वेंटी बनाया लोगों के बीच में लेकर गए और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है उत्तराखंड में हमको एक आयोजन नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन आयोजन का अवसर मिला और एक आयोजन तो मात्र 25 दिन का समय मिला <clears throat> रामनगर में जो पी लेवल की बैठक थी पूरी दुनिया की जी की और बहुत शानदार बैठक हुई और दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक आए थे वो बहुत ही अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए उत्तराखंड को देखा यहाँ की जो संस्कृति है उसको देखा हमारे यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों को देखा और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का भी उन्होंने भ्रमण किया अच्छा। गं, गंगा जी की आरती की हमारे यहाँ के सुंदर पहाड़ों को देखा वादियों को देखा और हमको जो है एक वो ब्रांड एम्बेसडर मिले हमारे उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में जाकर अपने देशों में जाकर कि उत्तराखंड इतना सुंदर है इतनी यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता है यहाँ की एक सांस्कृतिक धरोहर है वो सभी को बताएंगे लेकिन तो, मुख्यमंत्री जी कुछ चुनौतियों का सामना इससे पहले कि हम आगे बढ़े ये बाढ़ बारिश की वजह से जो परिस्थितियां खराब हुई लगभग कितना नुकसान हुआ है और कैसे इससे पार आप पाएंगे उस बारे में अगर दर्शकों को बताएं बाढ़ का इस बार प्रकोप काफ़ी रहा एक बड़ी आपदा जैसी स्थिति राज्य के अंदर है जिसके कारण से जन हानि हुई है पशु हानि हुई है मकानों का नुकसान हुआ है खेती का नुकसान हुआ है सड़कें बह गई हैं पुल बह गए हैं और बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं पेयजल की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक हज़ार करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का हमारे यहाँ नुकसान हुआ है और अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है बहुत सारी जगह पर पूरी सड़क की सड़क बह गई है भूस्खलन बड़े क्षेत्रों पर हुआ है अभी तो हमारी यही है कि धीरे धीरे पहले हम पहले जैसी स्थिति में आए जनजीवन सामान्य हो और जो आपदा से हमारे पीड़ित हैं प्रभावित हैं उन सभी को कुछ राहत दे पाएँ कुछ उनको मदद कर पाए उस दिशा में हम लोग लगे हैं एक हज़ार करोड़ का नुकसान आप बता रहे हैं कई सड़कें पूरी की पूरी कट गई बह गई दिख रही हैं स्थिति सामान्य होते हुए आपको कितना लगता है वक्त लग जाएगा अभी बरसात चल रही है मानसून अभी सक्रिय है इसके मानसून के कम होने के बाद ही जो स्थितियाँ रिस्टोर हो पाएंगी और केवल हरिद्वार ज़िले में मैं आपको बताऊं कि इक्कीस हज़ार हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो गन्ने की फसल है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है पूरा उसमें जल भराव हो गया है ऐसे ही कई सारे मकान ध्वस्त हो गए हैं सड़क चली गई हैं बहुत नुकसान हुआ है इस पर अब आते हैं सर कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पर जो आपने उत्तराखंड में लिया है शुरुआत कुछ अच्छे सवालों से कर लेते हैं पर्यटकों को लेकर आपने ऑपरेशन सेवा और भी बहुत सारे पर्यटकों को लाने के लिए आपने कहा जी ट्वेंटी भी मेरे लिए वो ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे पर्यटक पर्यटन को आप बढ़ावा दे पाएं उत्तराखंड तो देवभूमि है इतनी खूबसूरत है लेकिन पर्यटन पर्यटकों की नज़र पे चढ़े इसके लिए क्या किया है अभी तक आपने नहीं देखिए पर्यटकों के लिए एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोडें जो है अच्छी बनी है चार धाम ऑल वेदर रोडें Hmm. बहुत शानदार बन गई हैं और आज चार धामों पर जाना हो या हमारे अन्य स्थानों पर जाना है सड़क यहाँ से अच्छी हो गई और इसके साथ साथ दिल्ली से देहरादून की सड़क अच्छी हो गई देहरादून से हरिद्वार की अच्छी हो गई हरिद्वार से हमारे उत्तराखंड के अंदर अन्य जगहों को जाने वाले चाहे ऋषिकेश को जाना हो ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना हो या हरिद्वार से हमारा ऊधम सिंह नगर जाना हो या रुद्रपुर से पिथौरागढ़ जाना हो सभी जगह पर आज अच्छी सड़क होने के कारण से लोगों को जो है एक सुविधाजनक रास्ता मिला है सुविधाजनक स्थान मिले हैं आने जाने में सहूलियत हुई है इसके साथ साथ हवाई सेवाएं देहरादून से आज हमारे यहाँ पर 36 फ्लाइटें रोज़ फ्लाइट करती हैं तो ये भी जो है लोगों के लिए आने के लिए बहुत सहूलियत वाला है और हम आगे आने वाले समय के लिए भी चूँकि अब पर्यटन हम बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ पर्यटक पिछले साल आए उससे ज़्यादा इस साल आए हैं चारधाम यात्री जो पिछले साल हमारी सैंतालीस लाख की संख्या थी इस बार अभी तक अगस्त माह तक पंद्रह अगस्त तक अड़तीस लाख लोगों ने अभी तक चारधाम के दर्शन कर लिए हैं अभी यात्रा हमारी बची हुई है अगस्त का महीना ही रहा है सितंबर अक्टूबर पूरा ही है तो ये पचास लाख से ऊपर की संख्या जाने वाली है तो इसलिए हर साल हमको आ, एक तो मैं बताऊं कि पर्यटकों के लिए जो इंतजाम है वो तो करना ही है चाहे वो पार्किंग हो चाहे सड़कें हों या अन्य व्यवस्थाएं हो आवास हो इसके साथ साथ आने वाले सालों के लिए 25 साल में हर साल ये जो संख्या बढ़नी है उसके हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और एक रोड मैप बनाकर उस पर काम कर रहे हैं अभी धामी जी के उत्तराखंड में अगर कोई चीटिंग करता हुआ पाया जाए शिक्षा के क्षेत्र शे, की बात कर रही हूँ तो दस साल के जेल का प्रावधान आपने किया है नकल विरोधी कानून इसकी वजह क्या थी पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से नकल को लेकर लगातार आप लोग समाचार पत्रों में भी आता था और जो बच्चे मेहनत करते थे पढ़ाई लिखाई करते थे जिनके गरीब माता पिता अपने बेटे को बेटियों को कोई दूध बेच के कोई सब्जी बेच के कोई अपने घर का अनाज बेचकर अपनी दुकान बेचकर या छोटी मज़दूरी करके पढ़ाते लिखाते थे वो बड़ी मेहनत करके बच्चे अपने एग्जामों में पार्टिसिपेट करते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था फिर ये होता था कि अभी पर्चा लीक हो गया पेन ड्राइव में नकल हो गई या क्वेश्चन बैंक पहले ही लीक हो गया कुछ लोगों को पहले से उनकी सेटिंग हो गई ये काम चलता रहता था हर बार हर बार इसकी शिकायत आती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी मेरे समक्ष भी ये बात आई और हमने तय किया कि ये इस पर कहीं भी अगर कोई बात है तो हम इसकी पहले जांच करेंगे जांच की गई तो जांच में ये आया कि नकल होती है हमने कहा नकल होती है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करी अस्सी लोग इसमें जेल में गए अस्सी लोग इसमें पकड़े गए और इतने से भी नकल नहीं रुकी उसके बाद हमने कहा कि ये नकल रुकनी चाहिए क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है इसके लिए हम नकल का कानून लेकर आए और उसमें हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है सारी संपत्ति जो नकल करवाने वाले माफिया हैं उन माफियाओं की जब्त करने का भी हमने इसमें प्रावधान किया है और जो नकल करने वाले जो लोग उसमें शामिल होंगे पहली बार पकड़े जाने पर तीन साल तक का डी बार किया है और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो सात साल तक की जो है उसमें जो है किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे और अब नकल रुकी है और जो हमारे परीक्षा देने वाले भाई बहन हैं उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर हम मेहनत करेंगे अपना अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नंबर आएगा और इतना ही नहीं मैं आपको बताऊं कि आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया कि अब एक जो बेटा बेटी या जो परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं जो एक परीक्षा में हो रहा है वो तीन तीन परीक्षाओं में पास हो रहा है ये इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट अब आया है और लोग धन्यवाद कर रहे हैं लोगों ने अपने अपने मैसेज भेजे हैं कि नकल नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे जो बच्चे भाग लेते थे पहले वो पास नहीं होते थे लेकिन अब पास हो रहे हैं लगातार बीजेपी की जो सरकारें हैं राज्य सरकारें उनमें एक होड़ लग गई है कि यूसीसी का कानून सबसे पहले कौन लेकर आएगा और उस रेस में लगता है कि धामी सी जी आप बाजी मार ले जाएंगे फाइनल आ, जो पेस है उसमें आपका आया हुआ है यूसीसी कानून कब से लागू होगा कब लाएंगे उसको विधानसभा में तैयारी कहां पर पहुंची है फिर अगले हिस्से पर आऊंगी प्रश्न यूसीसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसीसी के बारे में पूरे देश के अंदर लंबे समय से मांग उठती रही है जैसे आ, मांग उठती थी कि कश्मीर के अंदर धारा तीन समाप्त होनी चाहिए अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए ये दोनों काम हो गए कहा? ये मांग उठती है पूरे देश में हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे एक एक देश के अंदर एक विधान एक निशान एक प्रधान यही यही हमारा चाहते और एक देश, देश में के अंदर हम लोग कहते थे कि दो दो निशान दो प्रधान और दो विधान और क्या बोल दो संविधान और दो प्रधान देश के अंदर नहीं चलेंगे ये मांग लंबे समय से उठती आई तो इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता यूसीसी जिसके बारे में आपने कहा यह भी मांग लंबे समय से उठती कि सबके लिए पूरे देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और हमने इस जो हमारे यहाँ उत्तराखंड का विधानसभा का आम चुनाव हुआ उस चुनाव में ये बात उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखी और इसके पीछे हमने तर्क दिया कि उत्तराखंड देवभूमि है उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है यमुना का प्रदेश है दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है कोई पैरामिलिट्री में है देश के अंदर कही न कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहे हैं इसलिए उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी किसी पंथ का हो समुदाय का हो किसी जाति का हो उन सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर मोहर लगाई और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी सरकार को किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार में आकर सेवा करने का अवसर उन्होंने हमको दिया उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया और हमने यू के लिए कमेटी बनाई जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी उस कमेटी ने एक साल से भी ज़्यादा समय से दो लाख पच्चीस हजार से भी ज़्यादा लोगों से बात की उनके विचार लिए विभिन्न विभिन्न धार्मिक संगठनों के बीच में गए अनेकों स्थानों पर जाकर लॉ कमीशन ने भी अपने सुझाव दिए हैं तो उन्होंने लगभग लगभग अपना ड्राफ्ट एक तरह से मैं कहूँ कि संकलित कर लिया है जल्दी ही वो फाइनल करके हमको दे देंगे तो हम इस दिशा में उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे कुछ ही देर पहले ओवैसी साहब भी आए हुए थे ये एक बहुत बड़े तबके का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जो बहुविवाह करते हैं उनको खास तौर पर टारगेट करने के लिए यूसीसी की वकालत बीजेपी और बीजेपी की सरकारें करती हैं इस पर आपका जवाब क्या होगा नहीं देखिये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है ये तो मातृशक्ति की हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है उनकी सुरक्षा के लिए भी है और उनके सशक्तिकरण के लिए भी है और ये किसी के लिए टारगेट करने की बात ही नहीं है ये बात वो लोग करते हैं जिन्होंने देश के अंदर हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है जिन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की है समानता की बात उन्होंने कभी नहीं की है आज देश के अंदर ये सब बातें समाप्त हो रही हैं इस प्रकार की मानसिकता को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं बहुविवाह रोकेगा आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक सही देखिए अभी चूंकि ड्राफ्ट अभी हमें मिला नहीं है वो कमेटी ने जब जो भी उसमें बनाया होगा वो हमको दे देंगे आप तो मुख्यमंत्री जी हैं आपको तो पता होगा क्या नहीं, नहीं उसके लिए कमेटी बनी है हमारी जो है कमेटी बनी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे प्रमोद कोहली जी हैं ऐसे कहीं विद्वान लोग हैं और बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर अपनी राय दी है तो आप निश्चित ये मानिए कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी को भी इसमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है जब भी वो आएगा वो बहुत शानदार आएगा बहुत अच्छा आएगा पर अभी उसके बारे में आप कुछ भी बताएंगे नहीं की फीचर्स क्या होंगे उसके कुछ आ, नहीं अच्छा होगा जब देश के अंदर देखे सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं समाप्त समानता की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि वो अच्छा होगा और हमारी खास तौर से हमारी मातृशक्ति जो है निश्चित रूप से उसके लिए वो कहेंगे कि अच्छा बना है 2024 के चुनाव के पहले माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यू को लाकर ये सरकार वोटर्स को टेस्ट करना चाहती है यानी ये समझना चाहती है कितने लोग विरोध में आते हैं क्या प्रश्न खड़े होते हैं कई लोग अदालत भी हो सकता है जाएं कुछ इश्यूज पर तो आपको टेस्टिंग ग्राउंड के कप्तान के रूप में चूज किया गया है उत्तराखंड में तो देखिए उत्तराखंड की जनता ने इसमें मैंडेट दिया हुआ है तभी हम आपके सामने हैं तभी हमने सेवा करने के लिए हमको सरकार में उन्होंने सरकार में लेकर आए तो उत्तराखंड की जनता तो इसको पास कर चुकी है और हमारी तो अपेक्षा है कि उत्तराखंड की जनता ने इसको पास किया है उन्होंने अपना आ, हमको समर्थन दिया है मैंडेट दिया है देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें एक और आपका मूव जिससे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जिससे आपने वन जो जमीन था उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट एरिया और भी जई सड़कों पर कई जगह इंक्रोचमेंट है जिसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे धार्मिक इमारतें थी उसको आपने तोड़कर उस जमीन को वापस लिया है इस पर भी कुछ लोग उंगली उठाते हैं कि क्या आपने अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए मज़ारों के खिलाफ या जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है देखिए मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं एक किसी को टारगेट नहीं किया है मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूँ कि सर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण क्या वैद्य माना जा सकता है कोई जायज़ ठहराएगा इसको जब नहीं ठहराएगा तो सरकारी ज़मीनों पर बड़े सारे जगह पर वो किसी एक आ, किसी वर्ग को उसमें हमने टारगेट नहीं किया है सरकारी अतिक्रमण है उसको हमने कहा कि हम हटाएंगे और केवल फॉरेस्ट लैंड पर अभी तक अभी पूरा नहीं हुआ है ये अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी चल रहा है सत्ताईस एकड़ जमीन अभी तक हमने फॉरेस्ट एरिया की इससे खाली करवा दी है और जिन पर कहीं कोई अवशेष भी अंदर से नहीं मिल रहे हैं मतलब आप मधुरभाषी इतने हैं लेकिन सख्त कार्रवाई अभी और भी करने वाले हैं नहीं जो देखिए उत्तराखंड राज्य के हित में है वो तो हम लगातार करते रहेंगे जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि एक मधुरभाषी नेता के रूप में बड़े अनकन्वेंशनल लीडर के तौर पर उभरते हैं ये इमेज काम आती है या पीएम भी आपकी मुस्कुराहट पर बोल देते हैं मुस्कान लिए बैठते हैं हमेशा धामी जी देखिए ये ए, हमेशा हमने ये पढ़ा है लिखा है कि व्यक्ति को हमेशा सरल होना चाहिए और व्यवहार में हमेशा बच्चों की तरह होना चाहिए लेकिन काम में शक्ति होनी चाहिए अनुशासन होना चाहिए वो चूँकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ तो मेरा बचपन सेना को देखते देखते बड़ा हुआ है इसलिए सेना से ये सब भी हमने सीखा है कि अगर कोई राष्ट्र हित में समाज हित में कोई फैसला लेना है तो उसमें फिर ये ध्यान नहीं देना है उसमें कठोरता से काम करना है लेकिन ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की लत कई बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को लगी मैं ये प्रश्न इससे पूछू क्योंकि विपक्ष कहता है उधर बुलडोजर बाबा है उधर मध्य प्रदेश में भी वही शुरू हो गया है और इससे आप कही न कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश करते हैं क्या उससे प्रेरित है ये इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं मैंने कहा कि ये किसी से प्रेरित नहीं है ये तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए हमने जो है अभियान चलाया और इसको हमारे यहाँ का जो हाईकोर्ट है हुँ. उसके बाद लोग हाईकोर्ट भी गए जब हमने ये अभियान चलाया तो हाईकोर्ट ने भी उन पर जुर्माना लगाया यानी कि उन्होंने सरकार की कार्रवाई को सही माना सही दिशा में हम काम कर रहे हैं किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं ये अतिक्रमण हटना चाहिए ये लोगों की भी मांग है अच्छा यूसीसी को आपने मैनिफेस्टो में डाला आपने कहा और उसके बाद से अब आप उसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं इसमें सेंट्रल लीडरशिप से आपकी क्या बात हुई है नहीं हमारी पार्टी का तो शुरू से रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और इस पर सभी का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है और जब हमने इसको अपने घोषणा पत्र में डाला था चुनाव से पहले तो अपनी पार्टी के ए, उसी के आधार पर मार्गदर्शन के आधार पर ही उसको डाला था क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर चर्चा हुई थी गृह मंत्री से हुई थी क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये तो केंद्र का काम है अगर लाना है आपको यूसीसी तो पूरे देश में लाइए राज्यों में कैसे हमने, हमने उत्तराखंड के अंदर Conquerors. देखे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने प्रश्न रखा था

और सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी प्रचार में जी ट्वेंटी का इस्तेमाल करेगी बीजेपी देखिए जो विपक्ष के लोग हैं वो जो भी अच्छा काम होता है उस काम में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं आज जी ट्वेंटी जन जन का जी ट्वेंटी बना पूरे देश ने भारत के कोने कोने को देखा भारत की समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है उससे परिचित हुए वो देश दुनिया को जाकर बताएंगे कि भारत पूरी तरह से आज जो है समृद्ध हो गया है कि जी ट्वेंटी जैसे आयोजन देश के कोने कोने में हो जा रहे हैं तो इन सब को जो है कुछ पार्टियां पचा नहीं पा रही हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया है अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि कभी जी ट्वेंटी का विरोध कर रहे हैं कभी मोदी जी का विरोध करते करते वो जी ट्वेंटी के विरोध में आ गए हैं और जी ट्वेंटी के विरोध के साथ साथ वो भारत के विरोध में भी उतर जा रहे हैं यानी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कब हमको किस बात का विरोध करना है वो ठीक जो है वो कहते हैं ना वो जैसे कोई कौवा जो है आधी में बिल्कुल अंधा हो जाता है उस प्रकार की उनकी स्थिति हो गई है पर उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है नाम बदलने से कुछ नहीं होता जी नाम वही है नई बोतल पुरानी शराब वही बेमिल गठबंधन और उसमें हर कोई जो है दूल्हा बनना चाहता है कोई बराती नहीं बनना चाहता उनका तय नहीं हो पा रहा है कि तो कौन दूल्हा नहीं बताएंगे कौन है हम जाएंगे वहां पर जब जनता हमें मैंडेट देगी उसके बाद तो कोई भी होगा ऐसा कहीं होता है कि जो है बारात जा रही बारात जा रही हो और दूल्हा ना हो सबसे बड़ी जो पार्टी निकलेगी फिर वो चूज करेंगे पीएम कौन बनेगा ऐसा संभव ही नहीं है देखिए ये सब ऐसे होते हैं जैसे कभी बरसात आती है तो बरसात में जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं छोटे छोटे केकड़ा मेकड़ा मेढक नेवला बिच्छू सांप सब बरसात से बसने के लिए एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं वैसे ही उनको डर है कि पूरे देश की आज जनता मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है मोदी जी पर विश्वास कर रही है एक प्रगाढ़ गठबंधन जनता और मोदी जी के बीच में है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए लो ये लोग ये भय के कारण से इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं देश की जनता भी भली भांति इसको समझ रही है जिन्हें आप केकड़ा मेकड़ा कह रहे हैं वो अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री चुने गए हैं ममता बैनर्जी मैंने मैं, नीतीश कुमार मैंने एक मैंने किसी हाँ. को केकड़ा मेकड़ा नहीं कहा है मैं दूं, मैं स्पष्ट कर ऐसा कभी कहता भी नहीं हूं मैं एक मैंने उदाहरण दिया कि इसी प्रकार की स्थिति हो गई है उनके उनके लिए उन, उनके लिए कोई आपको सूरत बनती हुई नहीं दिख रही है बिल्कुल नहीं जी ये तो केवल अपने अपने शेयरिंग कर लेंगे तब अगर बीजेपी वर्सेस एक कैंडिडेट ऑपोजिशन का अगर 400 से साढ़े चार सीटों पर भी वो ये फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि आपके पास 38 से 42 फीसदी वोट ही है जिस पर आपकी सरकार चुनकर आई है अगर वो इकट्ठा हो जाए एक कैंडिडेट हो बीजेपी के खिलाफ तो क्या चुनौती बड़ी नहीं हो जाएगी देखिए मैं एक बात बताऊं कि मेरे को भी इस क्षेत्र में काम करते करते बचपन से जो भी दो तीन दशक का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हर चुनाव अपना अलग होता है पिछले चुनावों से उसकी कभी तुलना नहीं होती है जैसा चुनाव पिछला था उस चुनाव से अगला चुनाव अलग हो जाता है आप देखिए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया जितने वोट मिले 19 में बढ़ गए 19 में उससे ज्यादा बढ़े जितनी सीटें 14 में आई थी 2000 2019 में बढ़कर आई और 2024 में इससे बढ़कर आएंगे इससे कितनी कितनी सीटें आ रही हैं इससे बढ़ के आएंगी दो तिहाई बहुमत आएगा आ बचपन से देख रहे हैं राजनीति तो कितनी सीटें आएंगी नहीं मैंने कहा कि बढ़ के आएंगी पर एनडीए वर्सेस इंडिया की एक अब लड़ाई हो गई ना वो कहते हैं अट्ठाईस पार्टियां तो आप कहते हैं अड़तीस पार्टियां वो कहते हैं कि आपके आधी पार्टियों का तो पता नहीं रजिस्ट्रेशन भी हुआ है कि नहीं हुआ है एनडीए में वो जितने भी पार्टियां हो जाएं आप ये मानिए कि दो तिहाई बहुमत से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे हाँ वन टू टेन आपके चुनाव भी वही है प्रचार भी वही है काम भी वही है फिर राम मंदिर यूसी जी इन सब को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी क्या जरूरत जो काम, काम किए नहीं, नहीं जो काम किए गए का कि कि मोदी जी, जी, जी।, जी ने काम ही इतने कर दिए अब कोई भी देश का चुनाव होता है तो मोदी जी के बिना होता ही नहीं है छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो हुँ. कौन से बड़े पांच काम उनके आप गिनाएंगे जिससे आपको लगता है कि वापसी होगी पांच पांच नहीं देखे पिछले नौ साल जो पूरे हो गए उन नौ सालों में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के क्षेत्र में लोगों के लिए अनेक अनेक योजनाएं बनी हैं और पहले की सरकारों में जो योजनाएं बनती थी वो कुछ लोगों के लिए बनती थी अब योजनाएं बनती हैं जो जो देश के लोगों की ज़रूरत है उस जरूरत के आधार पर बनता है चाहे हम इज्जत घर शौचालय की बात करें या कोरोना में राशन देने की बात करें या जनधन के खाते खुलवाए जिससे डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में जाना हो या हमारा जो है उज्ज्वला योजना हो ऐसे अनेकों कार्य हैं जी एक काम की बात कर ही नहीं सकते मोदी जी के पांच काम नहीं पचासों काम गिनाएंगे तो ये आपका सेशन बहुत छोटा पड़ जाएगा उत्तराखंड को क्या मिलेगा इस जी के आयोजन से आपको लगता है कि जिस तरह से छोटे छोटे राज्य हैं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं उनको क्या हासिल होगा इस जी ट्वेंटी समिट से या फिर हम खाली फ्लैश करते रह जाएंगे कि और वो तो रोटेशन पे होता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस पे भी क्यों श्रेय ले रही है वो तो रोटेशन से इंडिया को मिलना ही था

आप देखिए कि उत्तराखंड जैसा राज्य जिसको छोटा राज्य कहते हैं वहाँ भी ती तीन तीन आयोजन हुए और शानदार आयोजन हुए लोग हमारे यहाँ पर मुझे पूछने लगे कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं मैंने कहा उत्तराखंड के अंदर आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे उधर ही एक आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा आप आइए मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ देखिए हर जगह आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा चार पांच जगह बताइए जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो पहुंचे आपके उत्तराखंड में नहीं अभी देखिए चारधाम हमारे हैं ही है। हैं जगह स्पिरिचुअल क्षेत्र में जाना हो उसके अलावा तो हमारे पास बहुत सारे मुक्तेश्वर चले जाइए आप ओली चले जाइए आप उत्तरकाशी में हमारे यहाँ पर एक से एक स्थान हैं हमारे यहाँ पर जो है लेंसटॉन क्षेत्र में आप चले जाइए नैनीताल रानी खेत अल्मोड़ा ये सब ऐसे चौकोड़ी बेरीनाग आदि कैलाश तक के क्षेत्र आप जिधर जाएंगे उधर ही आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा मैं कि एक डेस्टिनेशन पे, पे के, तो के, तो के, के कार्यकाल तो महीने ही बचे है, दस साल लगभग पूरा हो रहा है अभी भी भ्रष्टाचार के ही मुद्दे को आप लोग सामने रखेंगे जनता देखिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये बड़े मुद्दे हैं और देश की जनता ने हमेशा इसके कारण से देश हमेशा पीछे गया है लोगों ने एक बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था गरीबी कभी हटी नहीं देश के अंदर से अलबत् गरीब हटते गए और इन नौ सालों में जितनी योजनाएं बनी हैं वो सब गरीब कल्याण के लिए बनी हैं ये अंतर रहा है इन सरकारों में और मोदी जी की सरकार में इसीलिए लोग उनको बार बार मौका दे रहे हैं हर बार इसीलिए मैंने कहा कि 2014 में 2000 2014 से ज़्यादा 19 में और 19 से ज़्यादा 24 में लेकिन परिवारवाद से तो अब आप लोगों को भी परहेज़ नहीं रहा पर जो पुत्र आते हैं दूसरी पार्टियों के नेता आते हैं, हैं। हैं उनको भी आप लोग मंत्री बना देते हैं। नहीं, नहीं, और बीजेपी वाले देखते रह जाते इसका अंत कैसे होगा नहीं नहीं शुरुआत हो गई देश के अंदर ये हुई है, और धिरे -धिरे आपकी एक सुशासन की देश के अंदर जो है जो कर्मठ लोग है जो सामान्य घर में पैदा हुए हैं और आज देखिए कि आप पहले पद्मश्री मिलते थे किन लोगों को मिलते थे कौन लोग राज्यसभा में नॉमिनेट होते थे कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते थे जिनके नाम भी नहीं होते हैं वो लोग जो है आज कहीं ना कहीं आ रहे हैं पहले में और अब में ये अंतर है कि एक सामान्य व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पदों पर जा रहा है सोच बदली है आपको लगता है निश्चित रूप से सोच भी बदली है और संस्कृति भी बदली है देश के अंदर एक कार्य व्यवहार नया है तो पीएम ने तो अगले 2024 के लिए भी कह दिया है वो तिरंगा वही लहराएंगे लाल किले से 2047 में विकसित देश बन जाएगा भारत देखिए उन्होंने वो अपने लक्ष्य सेट करते हैं टारगेट सेट करते हैं और उस पर काम करते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा तक वो काम करते हैं आज देश के अंदर अनवरत रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हो या मुख्यमंत्री के रूप में हो एक आदर्श और एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है और उन्होंने पहले ही कहा था कि भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बनेगा पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया अब उन्होंने कहा कि 2024 के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो बनेगा और दो में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा वो संकल्प और वो सपना लेकर वो काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका संकल्प और सपना देश की जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा क्योंकि हर भारतवासी का उन्होंने मन बनाया उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि अब भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर सकता है कोई काम उसके लिए असंभव नहीं रहा उत्तराखंड से कितनी सीटें सीटें मोदी जी को 2024 में आप देंगे 2014 में पांच सीटें आई थीं और 2014 के बाद 19 में तो भी पांच सीटें आईं उसके बीच में विधानसभा का चुनाव हुआ प्रचंड बहुमत की सरकार आई और 2022 में पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एक मिथक टूटा एक नया इतिहास बना वहाँ हर बार सरकारें बदलती थी एक बार एक पार्टी की सरकार एक बार दूसरी पार्टी की सरकार पहली बार जो है ये मिथक भी टूटा और 2024 में और ये भी है 2014 में जितने वोट मिले थे 19 में उससे ज्यादा मिले 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा 24 में मिलेंगे पांच सीटें पांच की पांचों सीटें उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देगी तो धामी जी के चेहरे पर मिलेंगी या मोदी जी के चेहरे पर मिलेंगी आज तो मोदी जी को प्रधानमंत्री डबल इंजन डबल इंजन हर जगह चल रहा है आजकल डबल इंजन कुछ राज्यों में नहीं, जो मिशन नहीं लग मोदी रहा जी के जो काम है उन कामों के आधार पर उत्तराखंड के लोग मोदी जी को बहुत प्रेम करते हैं उनका और मोदी जी भी जो है क्योंकि उन्होंने हर बार उत्तराखंड का जो पहचान है उत्तराखंड की जो सम्मान की बात है वहाँ की संस्कृति है उसको हमेशा अपने दिल में रखा है चाहे बाबा केदार के दर्शन हो, चाहे आदि कैलाश की बात हो उत्तराखंड की माताएं बहने उनको कोई भाई मानता है कोई बेटा मानता है इस प्रकार का उनका लगाव हुआ है कर्म मर्म का रिश्ता उत्तराखंड से है इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाँच की पाँच सीटें आएंगी और प्रचंड बहुमत से आएंगी। पुष्कर सिंह धामी साहब आप आज तक के मंच पर आए जी ट्वेंटी समिट में आपने अपनी बातें कही बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत धन्यवाद